हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ लेटर टू मदर फॉर डेली रूटीन ड्यूरिंग एग्जाम। मतलब कि आप लोग एग्जाम के टाइम पे आप लोगों की क्या रूटीन होती है, वो रूटीन आप लोगों को मदर को लेटर के फॉर्मेट में मतलब कि लेटर लिखते हुए बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आप लोग एक पूरे दिन में क्या क्या करते हो और क्या क्या मतलब कि अवॉइड करते हो और क्या क्या सीरियसली करते हो एग्ज़ाम के टाइमिंग पे, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसको अब देख लेते हैं हम लोग। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कहाँ पे कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ पे कितने मार्क्स आप लोग इजीली कलेक्ट कर सकते हो, वो आप लोगों को एकदम अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये आप लोग देखोगे तो ये मैंने रैंडमली एड्रेस लिया है, ये आप लोगों का सेंडर एड्रेस है। ठीक है ना, एक बारी मैं जूम कर लेता हूँ इसे। ये आप लोगों का सेंडर एड्रेस है, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं होता तो आप लोग रैंडमली कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है सेकंड लाइन आ जाता है आप लोगों का डेट, डेट डे एंड ईयर। ठीक है, ये आप लोग लिखोगे, डेट आप लोगों का 2 जनवरी और 2023, तो ये आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पे आप लोग जो एड्रेस लिखोगे उसके बिहेव पे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोग को आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है एड्रेस तो वहां से उठा के लिख देना, अगर नहीं है तो आप लोग रैंडमली लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डेट में 1 मार्क्स गिवन होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 3 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, डियर मॉम मदर मम्मी जो भी आप लोग कॉल करते हो अपने मदर को, वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में आप लोगों को ये वाले लाइन तो लिखने ही लिखने हैं, ये वाले लाइन एकदम याद कर लेना। ठीक है, ये वाला लाइन याद कर लेना। अगर आप लोग का कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर, या आप लोग का इनफॉर्मल लेटर ही है तो अगर आप लोग का कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर आता है ना, तो ये वाला लाइन जो है ये वाला आप लोग एकदम सेम टू सेम टेप देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई होप एंड विश द बेस्ट फॉर हेल्थ फॉर यू एंड डैड। मतलब कि आपने अपने मदर को और फिर अपने डैड की हेल्थ की अच्छे अच्छे रहने की शुभकामनाएं दी। ठीक है, आई एम डूइंग फाइन हेयर, आप लोग भी अच्छे हो। लाइफ हेयर इज हॉस्टल इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम डैट ऑफ होम। मतलब कि हॉस्टल की लाइफ होम की लाइफ से डिफिकल्ट है। ओके, उसके बाद आप लोग, देयर इज नो बडी टू कॉन्स्टेंटली लुक आफ्टर यू। मतलब कि आपके साइड मतलब कि आपकी तरफ कोई भी इंसान, मतलब कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी टीचर हो, वो मतलब प्यार से नहीं देखता। ठीक है, उसके बाद आई एम ग्रेजुअली गेटिंग यूज टू मैनेजिंग माई सेल्फ ऑन माई ओन। मतलब कि आप लोग अपने आप को मैनेज खुद ही से करते हो, कोई और आप लोगों को मैनेज नहीं करता। लाइक घर में आपकी मम्मी मैनेज करती है, मतलब कि कपड़े धोना, खाना खिलाना, खाना बनाना, ये सब पापा हेल्प करते हैं। मतलब कि बाहर की कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, मतलब कि नोटबुक चाहिए, फिर बुक चाहिए, या फिर कोई भी ये स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप लोगों को पापा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ें हॉस्टल में आप लोगों को रिगार्डिंग कोई भी नहीं करता, आप लोगों को खुद ही करना पड़ता है। इसलिए ये वाला लाइन मैंने बोला है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस वाली लाइन को एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रूटीन बताना है, तो ये आप लोग रूटीन देख लो। ठीक है, मतलब कि इसमें मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है, कि आप लोग 6 बजे उठते हो एग्जाम टाइम पे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जितने बजे भी आप लोग उठते हो जेन्युइनली, या फिर थोड़ा सा फेक भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो 6 बजे मैंने लिखा है, 6 बजे उठता हूँ, फिर 6:30 तक मतलब 6:30 AM तक मैं फ्रेश और बात मतलब कि मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मैं स्टडी करता हूँ, और फिर स्टडी करने के बाद कुछ टाइम बाद मैं ब्रेकफास्ट करने चला जाता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं अपने फ्रेंडों के साथ थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ, और फिर उनसे मतलब कि एज अ एग्ज़ाम एज अ मतलब यूजुअल थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर से मैं अपना ये जो हमारा काम है उसको करके उसके बाद हम अपना फिर से पढ़ाई करने चले जाते हैं, और शाम के टाइम इवनिंग के टाइम हम लोग थोड़ा सा फुटबॉल मैच या फिर कोई सा भी गेम खेल लेते हैं, ताकि हमारा जो माइंड रहे वो फ्रेश रहे। ठीक है, जो हमारा माइंड रहेगा वो एकदम फ्रेश रहेगा, जिसकी वजह से जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम याद करेंगे, जो भी हम लर्न करेंगे, जो भी हम स्टडी करेंगे, वो हमें हमारे माइंड में एकदम अच्छे से क्लियर रहेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं, क्योंकि
अगर आप लोग खेलते हो तो आप लोग का माइंड शार्प होता है और आप लोग कोई भी चीज़ इजीली समझ सकते हो, कोई भी चीज़ अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ये लिखा है कि आप लोग रात में ज़्यादा देर तक नहीं मतलब जागते, आप लोग मिनिमम 11 बजे या 11:30 बजे जो भी आप लोग सो जाते हो, ताकि आप लोगों का जो मिनिमम नीड है बॉडी की 6 to 7 आवर्स, मिनिमम आप लोगों को 24 घंटे में 6 to 7 आवर्स सोने में मतलब कि सो लेना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो बॉडी है वो एकदम मेंटेन रहे, आप लोगों को आलस नहीं आएगी, आप लोगों को कोई थकान फील नहीं होगा, वो चीज़ आप लोगों का मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आप लोग फिर से याद कर लो, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन फिर से याद कर लो, आई विल कम होम आफ्टर एग्जाम, मतलब कि मैं एग्जाम के बाद आऊंगा, कांट वेंट टू सी यू एंड एवरीवन एट होम, मतलब कि मैंने बहुत वेट कर रहा हूँ कि आपका फेस और सबका मतलब घर में सभी का फेस और फिर सभी से बातचीत ये वो कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई मिस यू सो मच, ठीक है। उसके बाद योर लवलिंग या फिर योर फैथफुल, जो भी आप लोगों का वर्ड रहेगा, यहाँ पे भी आप लोगों का 2 मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पे आप लोगों को फिर से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन में नाम नहीं है तो अपना नाम डाल सकते हो, अगर क्वेश्चन में नाम है तो उसी नाम में से कोई एक नाम डाल देना, अगर 2 नाम है तो 2 में से कोई एक डाल देना, अगर 1 नाम है तो एक उसी नाम को यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये आप लोगों का था इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, मदर से रिलेटेड आप लोगों का इनफॉर्मल लेटर ही होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों का 2 मार्क्स, यहाँ पे आप लोगों का 1 मार्क्स और नीचे आप लोगों के 5 मतलब 2 मार्क्स, तो आप लोगों के टोटल आप लोगों का जो लेटर आता है वो आप लोगों का 10 to 12 मार्क्स का लेटर आता है। उसमें से मैंने 5 मार्क्स आप लोगों को कंफर्म करवा दिए हैं, और बाकी उसके बाद जो भी मार्क्स होंगे वो आप लोगों का मेन बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। मेन बॉडी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का मेन बॉडी है, तो इसी पे आप लोगों का डिपेंड करेगा बाकी के मार्क्स। अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि नेक्स्ट आंसर की वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आंसर के साथ, थैंक यू।